राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हम लोग के बी एस सी टेट और जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम है सब में यूजफुल रहेगा। पूरे सीडीपी और इवन ईवीएस का भी और सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग एक एक करके लेक्चर अपलोड करेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज हम सबसे पहला लेक्चर चाइल्ड पेडागोजी एंड डेवलपमेंट पे अपलोड कर रहे हैं, बना रहे हैं, और वो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीज है और हालांकि दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, वी कांट इमेज वन विदाउट अदर। तो अगर हम इसकी बात करें डेवलपमेंट की पहले देखते हैं, उसके बाद ग्रोथ की बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है, ये अलग ने कहा था कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द ग्रोइंग लेयर। डेवलपमेंट सिर्फ ग्रोइंग को नहीं कहते, ये प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस लीड्स टू मैच्योरिटी। जैसे देखिए दोस्तों कि एक बेबी पैदा होता है तो फादर सिक्स फॉर्म आता है, मदर से एग आती है, यानी एग आता है मदर साइड से और फादर साइड से इस फॉर्म आता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये शॉर्ट में डेवलपमेंट और ग्रोथ को समझने के लिए देखते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जायगोट, और जायगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो से फिर बनता है इन्फेंट स्टेज आती है, इन्फेंट से फिर अब आप यूं समझ लीजिए, और ये सबको प्रीनेटल भी कहते हैं, और इन्फेंट से आता है फिर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलेसेंस आता है, फिर मैच्योरिटी आती है। तो ये सारी चीज जो है ये आप कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट, ये जो ये ग्रोथ कहलाती है, और जो उसमें इसको आप देख सकते हैं, एक बच्चा जायगोट हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, मैच्योरिटी तक जाता है, एडोलेसेंस तक जाता है, एडोलेसेंस में आता है, फिर एडोलेसेंस से मैच्योरिटी में आते, पूरा ये स्टेज मैच्योरिटी तक चलती है। तो दोस्तों ये तो दिख रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना, अगर हम डेवलपमेंट को थोड़ा सा अलग करें, देखो क्या डेफिनेशन अलग ने दिया था, इज नॉट लिमिटेड टू द ग्रोइंग लेयर। ये ग्रोइंग लेयर है, सिर्फ ग्रोइंग लेयर ही डेवलपमेंट नहीं है। फर्क को समझिए दोस्तों, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क है। डेवलपमेंट क्या है कि फिजिकल मेंटल और इमोशनल तीनों चेंजेस को डेवलपमेंट कहते हैं। मैं लिख देता हूं, डेवलपमेंट इज फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल। तीनों डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, तीनों की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। लेकिन इसमें सिर्फ फिजिकल की बात करें, अगर हम सिर्फ फिजिकल की बात करें, सिर्फ फिजिकल की, तो ये हमारा होता है ग्रोथ। शॉर्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट में आगे के टॉपिक्स में हम डिटेल में डिफरेंस डिस्कस करेंगे, पर अभी डेवलपमेंट को समझने के लिए क्या कि डेवलपमेंट की कैसे डिफाइन करेंगे। हाँ, भाषा में इट इज फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल, ग्रोथ ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड मेंटल। ह्यूमन बीइंग में तीनों चीज का ग्रोथ होना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। लेकिन सिर्फ फिजिकल को क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट तो देख लिया क्या होता है, एक तो फिजिकल ग्रोथ होती है, और फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ हम चीजें करना सीखते हैं, कई सारी स्किल हम में डेवलप होती है, ये चीज डेवलपमेंट कहलाता है। डेवलपमेंट को कहा जाता है कि अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं आगे, कि डेवलपमेंट कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझ गए, इट इज ग्रोथ इन फिजिकल मेंटल एंड इमोशन।
इन फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल बिहेवियर, तीनों में ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट अस सी। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? कॉन्सेप्शन सुदृढ़। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है? मतलब जायगोट बने कंसीव की मदर इस फॉर्म को, और जायगोट बना उससे लेकर डेथ तक जो कुछ भी होता है वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। क्या कहलाता है दोस्तों? डेवलपमेंट। फिर मैं एक बार बता दूं कि ग्रोथ अलग चीज है, डेवलपमेंट एक वाइड एरिया है जिसमें ग्रोथ शामिल है। डेवलपमेंट यू कह सकते हो कि डेवलपमेंट अगर ये सर्कल है तो ग्रोथ इसका कहीं पोर्शन है। ओवरऑल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट है। तो कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो आमतौर पर जयगोर से लेकर देव तक, ओम से लेकर टोम तक। एक और कहावत है, ओम से लेकर टोम तक आपकी बॉडी में ग्रोथ होती रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है। ये ग्रोथ है। कई सारे स्किल हम ग्रोथ सॉरी डेवलपमेंट है, कई सारे स्किल हम डेवलपमेंट में सीखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट का क्या है दोस्तों? कि कंसेप्शन टू डेथ, ओम टू टोम, मतलब पैदाइश से लेकर, पैदाइश से भी पहले, कॉन्सेप्शन से लेकर डेथ तक डेवलपमेंट होती रहती है। ये कभी नहीं रुकती है, ग्रोथ तो रुक जाती है। आगे के टॉपिक्स में हम दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे। डेवलपमेंट नहीं रुकती, पैदाइश से लेकर आपकी पूरी मौत तक। एक और इसमें कहा होता है, गोर से लेकर गोर तक, मतलब पैदाइश से लेकर कब्र तक। गोर का मतलब पर्सन, बड़े गोर कब्र होता है। तो पैदाइश से लेकर कब्र तक डेवलपमेंट चलती रहती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? कंसेप्शन टू डेथ। गॉट इट दोस्तों? अब दूसरे कौन प्रॉपर्टीज की बात करते कैरेक्टरिस्टिक्स की। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो है दोस्तों फॉलो सर्टेन सीक्वेंस। दोस्तों अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट जो होता है इसका सर्टेन सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीनेटल होती है, जायगोट होती है, एम्ब्रियो होती है, फिटस होती है, ये सीक्वेंस को फॉलो करता है डेवलपमेंट भी। जायगोट होती है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर इन्फेंसी होती है, फिर उसके बाद चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड होता है, देन एडोलेसेंस होता है, देन मैच्योरिटी होती है। ये पूरा क्या है? एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि पहले एम्ब्रियो बनेगा जायगोट बाद में बनेगा, पहले जायगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो बनेगा, देन इन्फेंसी आएगी, देन चाइल्डहुड आएगा, देन एडोलेसेंस आएगा। तो व्हाट द सेकंड, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था डेवलपमेंट का? कि पैदाइश से लेके मौत तक, गोद से लेके गोर तक, ओम टू टोम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि डेवलपमेंट सर्टेन सीक्वेंस को मेंटेन करता है। सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूअसली चलते चली जाएगी, कभी रिवर्स नहीं। एम्ब्रियो से जायगोट बन जाएगी, नेवर, ये कभी नहीं होगा। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलपमेंट। लेट अस सी थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम बात करेंगे सॉरी तो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे अगर हम, तो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट होता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। यानी क्वालिटी में भी इंक्रीज होती है, क्वालिटी में भी आप इंक्रीज करते हो, आपकी चीजों में मैच्योरेशन आती है, पुख्तगी आती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है चीजों को करने का, चीजों को सीखने का, सब चीज में मैच्योरिटी आती है। और क्वांटिटी में भी ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होती है, मतलब आपकी बदन बढ़ती भी है, क्वालिटी भी इंक्रीज होती है, और क्वांटिटी भी, मतलब बदन आप साइज में भी तो बढ़ रहे हो तो क्वांटिटी में भी बढ़ रहे हो, यही तो ग्रोथ कहलाता है। और आपकी स्किल्स भी बढ़ रही है, ये डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट चूंकि दोनों को इंक्लूड कर लेता है, तो इसलिए इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है कि क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वालिटी में भी बढ़ती है
और क्वांटिटी मतलब साइज में भी बढ़ती है। तो तीन प्रॉपर्टीज हो गए, पहला क्या था ओम टू टोम, दूसरा क्या था कि एक सीक्वेंस वाइज होती है, इट फॉलोज अ रूल, अ सीक्वेंस रूल, और तीसरा क्या है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। नाउ देखते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फोर्थ है कि भाई आपका जो ग्रोथ होता है, जो आपकी डेवलपमेंट होती है, ये कई फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है। सेक्सुअलिटी भी होती है इफेक्ट करने के लिए, सेक्स भी होते हैं मेल फीमेल में, और भी कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली तो ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट की। नाउ लेट अस सी द फिफ्थ, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों डिफरेंट रेट होती है डेवलपमेंट की, हाउएवर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसका क्या रेट है एकदम, लेकिन ऑब्जर्व करके उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि एक स्लो लर्नर है, एक सुपर लर्नर है। कॉन्सेप्ट तो सुना होगा ना, कहते हैं स्लो लर्नर और सुपर लर्नर। हालांकि स्लो लर्नर या लर्निंग विद डिफरेंट मेथड्स ये डिफरेंटली है बल पेपर, तो वो अलग चीज है। यानी इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि रेट डिफरेंट हो सकता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का रेट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकता है। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टीज हुई डेवलपमेंट की। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा हो गया, और पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अगर हम इसको देखना चाहें तो डेवलपमेंट की पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देख लिए, एक बार रिकैप कर दें। पहला कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट की क्या थी, गोड से लेकर गोड तक। दूसरा डेवलपमेंट प्रोसेस क्या थी, इट्स फॉलो द सीक्वेंशियल स्टेज। अगर हम प्रीवियस पे आए तो देखेंगे कि दूसरा था कि इट फॉलोस सर्टेन सीक्वेंस। तीसरा डेवलपमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं डेवलपमेंट। उसके बाद चौथा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि कई फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं ये डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोगों ने पांचवा पढ़ा था कि डिफरेंट रेट होती है डेवलपमेंट की, कोई इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, कोई इंडिविजुअल बहुत तेज होता है, स्पीड लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, इस पे ये डिफर करता है। अब नेक्स्ट अपना है कि डेवलपमेंट्स की टाइप कितनी होती है। एक्चुअली डेवलपमेंट्स तीन तरह के होते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट तीन तरह के होते हैं, एक फिजिकल, एक कॉग्निटिव, एक सोशल। और इन तीनों डेवलपमेंट्स में से फिजिकल डेवलपमेंट फिर दो तरह के होते हैं, ग्रोस और फाइन। अब क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट, देखिए फिजिकल मतलब जो बाहर से दिख सकता है। एक्चुअली ग्रोथ और डेवलपमेंट में फर्क ही यही है, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ को, फिजिकल डेवलपमेंट को ही ग्रोथ कहते हैं। और लेकिन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव भी डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव ग्रोथ भी डेवलपमेंट में आ जाएगी, सोशल भी डेवलपमेंट में आ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल, बदन बढ़ रही है फिजिकल ग्रोथ हो गया, लेकिन ब्रेन बढ़ रहा है आप उसको कैसे माप सकते हैं। तो वही ब्रेन की डेवलपमेंट और बॉडी की डेवलपमेंट दोनों को जोड़ दिया आपने, ब्रेन प्लस बॉडी, यही तो डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट। और सिर्फ बॉडी को देखा तो क्या है ग्रोथ। तो अभी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट में बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि डेवलपमेंट कितनी तरह की होती है, और सीटेट के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। जैसे लेक्चर डेप्थ में चलता चला जाएगा, क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करेंगे, और हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस आए हुए सीटेट के लिए सब जगह के क्वेश्चंस को एक प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे हम लोग। आप देखते हैं ये रही। तो डेवलपमेंट कितनी तरह की होती है, तीन तरह की, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल। अब फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है वो दो तरह की होती है, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल का डेवलपमेंट होना बॉडी में। मतलब ग्रोथ मोटर स्किल का डेवलप होना मतलब जो बड़ी बड़ी कामें हैं जैसे वॉकिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सब में ग्रोस मोटर, बड़ी मोटर, पूरा मसल्स और मोटर्स का इसमें रोल होता है, तो इसको ग्रोस मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं, ये भी होती है फिजिकल ग्रोथ। और फाइन भी, फाइन मतलब राइटिंग पेंटिंग, जिसमें बहुत बारीकी से काम की जाती हो, पेंटिंग, ये सब डेवलप होना होता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट होती है। और ग्रोथ में साइकिलिंग वगैरह, इसमें बड़ा सा मोटर डेवलपमेंट का रोल होता है। उस पर अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट की जो दूसरी टाइप है कॉग्निटिव,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को तो एक्चुअली क्या है कि हमारे सेंस से, जितने भी हमारे सेंस से एनवायरमेंट से चीजों को परसीव करते हैं, फिर मेमोरी में जाती है, फिर हम उसे रिटेन करते हैं, रिट्रीव करते हैं, वो वापस लाते हैं। सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज स्किल भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। चीजों को सुनते हैं एनवायरमेंट से, फिर उसे ब्रेन में रखते हैं, फिर उसे रिट्रीव करते हैं। सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समझ गए? हम इस पर अभी डिटेल में आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद की कैसे स्टेजेस हैं और डेवलपमेंटल स्किल क्या है और पूरा कैसे सीक्वेंस पाते हैं, डिटेल में एक अगला लेक्चर ही होगा अपना। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? अब सोशल में भी दो आ जाते हैं, इमोशनल एंड मोरल। एक्चुअली क्या होता है कि डेवलपमेंट जैसे बढ़ते जाती है तब बहुत दिनों के बाद मोरल और इमोशनल डेवलपमेंट आता है। मोरल क्या है? मोरल डेवलपमेंट क्या है? समाज के जो आपसे सोसाइटी जो है, सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट कब बच्चे में आता है? जब बच्चा बहुत छोटा होता है दोस्तों, उसमें क्या सोशल डेवलपमेंट होती है? कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ते जाती है, सोशल डेवलपमेंट इंक्रीज होती जाती है, वो बच्चा समझने लग जाता है कि उससे समाज क्या एक्सपेक्ट करती है, उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो काम करता है। ये सोशल डेवलपमेंट हो गया। अब ये भी दो तरह का, इमोशनल और मोरल। मोरल मतलब वो समझ जाता है, एथिक्स उसमें डेवलप होने लग जाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इमोशनल की से इमोशनली अटैच होने लगता है, उसके पीयर उसके दोस्त बनने लग जाते हैं। अब बताइए ना, अर्ली डेवलपमेंट में थोड़ी ना इमोशनल डेवलपमेंट होती है और ना ही मोरल डेवलपमेंट होती है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है, वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सोसाइटी को जो अच्छा लगे वो बच्चे अपने में चेंजेस करने लग जाते हैं। और इसमें भी पहला डेवलपमेंट अगर आप देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सोशल डेवलपमेंट शुरू हो गई? पहला डेवलपमेंट जो होगा वो इमोशनल होगा, और इमोशनल मतलब उसके दोस्त वगैरह बनने लगेंगे। देन फिर वो मॉरल वैल्यू सीखने लगेगा कि क्या व्हाट्स इज रॉन्ग व्हाट्स राइट। फिर वो वहां पे पहुंचेगी इस स्टेज से इस स्टेज, मतलब इसमें भी फर्स्ट ये और सेकेंड ये। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि कितने तरह के डेवलपमेंट होते हैं? तीन तरह के, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल। फिजिकल में हमने दो कर दिया, ग्रोस और फाइन। कॉग्निटिव में लैंग्वेज कर दिया और सोशल में इमोशनल और मोरल कर दिया। सो लेट अस सी, आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें फाइन मोटर स्किल में राइटिंग आ जाएगा, ग्रोस मोटर स्किल में साइकिलिंग वगैरह आ जाएगा, वॉकिंग भी आ जाएगा। यहाँ पे वॉकिंग भी आप लिख सकते हो दोस्तों, वॉकिंग भी। अब आगे देखते हैं कि ये तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हो गया। अच्छा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्टेजेस कैसे, पूरा डिटेल लेक्चर होगा हमारा, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का मिस नहीं होगा आपसे। सो आगे हम लोग बात करते हैं अब ग्रोथ की। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डाल देंगे और सीखेंगे। अब ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ क्या है? थोड़ा सा डेवलपमेंट अलग है। क्या है? इंक्रीज इन वेट, हाइट एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन। मतलब हाइट में, वेट में, बॉडी के सेल में, या जब जायगोट बनता है तो कितना सेल होता है? एक सेल होता है जायगोट बनते वक्त। कितना सेल होता है जायगोट बनते वक्त? कितना सेल होता है? एक एग होता है और एक स्पर्म होता है। यूं बना लीजिए स्पर्म, और ये एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं आपस में, एक सेल बनते हैं। 46 क्रोमोसोम होता है उसमें, इसमें 23 क्रोमोसोम, इसमें 23, 46 क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम। अब क्या है? चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन? ये एक सेल से आज मिलियन सेल्स हमारी बॉडी देख लीजिए दोस्तों, ये अपनी बॉडी को देखो, एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल बन गए। हर सेल में 46 क्रोमोसोम, मिलियंस ऑफ सेल बन गए आपकी बॉडी में। तो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं आप, समझ लीजिए। देखिए मैंने पहले बता दिया कि डेवलपमेंट दोस्तों जो होता है वो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी में, जो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं ना, मतलब इट कैन बी मेजर्ड, आपको मापा जा सकता है। आपका वजन बढ़ते जा रहा है, सेल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वजन बढ़ेगा, तो मापा जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। आप थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लिया डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में। ठीक है, डेवलपमेंट फिजिकल है जैसा कि मैंने बताया, आप देख सकते हैं क्योंकि हम एकदम लुक कर सकते हैं कि देखिए फिजिकली ग्रोथ हो रहा है,
लेकिन डेवलपमेंट तो ग्रोथ है ही है, साथ साथ ओवरऑल है सब कुछ, कॉग्निटिव वगैरह जिसको हम नहीं भी देख सकते हैं, जैसे बदन को तो देख सकते हैं ग्रोथ होना, ब्रेन किस तरह ग्रोथ ग्रो कर रहा है ये तो नहीं देख सकते ना, ना ही माप सकते हैं हम, कोई फिजिकल हमारे पास पैरामीटर नहीं है। तो हाँ असेस कर सकते हैं, चीजें असेस करके बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट नॉट एक्यूरेट। यहां तो एक्यूरेसी है भाई, यहां पे फिजिकल में क्या है, एक्यूरेसी है, एकदम 5 फुट चेंज में तो 5 फुट चेंज ही चेंज नहीं हुए, 5 फुट से 2 इंच हो, लेकिन इसको मापा नहीं जा सकता, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। एक्यूरेट कोई है दुनिया में? कोई भी एडुकेटर नहीं है जो किसी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एग्जैक्ट बता दे, नहीं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखो, ये मेजर किया जा सकता है, कैन नॉट बी मेजर, मेजर नहीं किया जा सकता है डेवलपमेंट को, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है, और डेवलपमेंट क्या है, वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें यह भी शामिल है ग्रोथ भी। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव है ग्रोथ, और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी चेंज, किसी क्वालिटी को मापा थोड़ी जा सकता है, आप मेरी ग्रोथ को माप सकते हो, लेकिन मेरी जो क्वालिटी है दोस्तों, ये आप भी जो क्वालिटी है दोस्तों पढ़ाने का, डिलीवर करने का, वो तो मापा नहीं जा सकता ना, यू कैन फील, यू कैन ऑब्जर्व, और अगर ज्यादा से ज्यादा तो प्रेडिक्शन किया जा सकता है ना, तो इसको मापा नहीं जा सकता है डेवलपमेंट को। ये तो दोनों बात होगी दोस्तों। अब दोस्तों स्टेजेस हम बाद में पढ़ेंगे इनके, लेकिन उससे पहले आज एक और रिसर्च कर ले कि डेवलपमेंट का, ग्रोथ का एक्चुअली लर्निंग पे क्या फर्क पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है शायद, अगर मैंने ये बता रखा है लर्निंग, क्योंकि जाहिर सी बात हम ग्रोथ डेवलपमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि लर्निंग से क्या रिलेशन है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का काम तो, हम लोगों का काम बच्चों को सिखाना ही है, तो लर्निंग को हम देखते हैं कि लर्निंग पे उनका क्या इफेक्ट है। पहले तो इसको, इसके लिए जान लेते लर्निंग होता क्या है। लेट अस सी दोस्तों, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट टू लर्न, यानी लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें आप कई बार कई प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद मैच्योरेशन आती है, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टू लर्न, तब जाके दोस्तों आप सीखते हैं, एंड देन उसमें मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी पुख्तगी आती है, मतलब आप एक्सपर्ट बनते हैं, एक्सपर्ट महारत आती है आपको। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है कि प्रैक्टिस से एक्सपर्टीज तक, फ्रॉम प्रैक्टिस टू एक्सपर्टीज। अच्छा एक बात मैं बताना बोली था कि डेवलपमेंट कभी बंद नहीं होती, रुकती नहीं है, ग्रोथ रुक जाती है, इंसान की ग्रोथ बोन की भी फाइसल प्लेट है। एक थोड़ा सा याद रखी बात, इसको स्पेशल नोट करके आप लिख ले कि दोस्तों ग्रोथ डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकती, डेवलपमेंट नेवर स्टॉप, लेकिन ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकल ग्रोथ स्टॉप, स्टॉप आफ्टर अ टाइम इंटरवल, आफ्टर अ पार्टिकुलर टाइम, क्यों रुक जाती है, बोन में भी फाइसल प्लेट होता है, वो ग्रोथ होना बंद हो जाता है, तो ये रुक जाती है। खैर अब हम फिर टॉपिक पे आ जाए, तो लर्निंग क्या है, प्रैक्टिस टू लर्न, और प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्टीज आ जाती है, यही लर्निंग कहलाती है, प्रैक्टिस करने से कोई चीज सीख जाना लर्निंग कहलाता है। तो भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से दोस्तों इसका तो ताल्लुक है, रिलेटेड है। अब आप देखिए, एक बच्चा खड़ा हुआ, सीखते जाता है, सीखते लर्निंग करते जाता है, पहले सीने का बल चला, फिर चारों हाथ का यूज करके चला, फिर इरेक्शन आ गई, खड़े होकर चलने लगा, साइकिलिंग सीखा। मान लो एक बच्चा बहुत प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस करने के बाद साइकिल चलाना सीख लिया, दिस इज कॉल्ड लर्निंग, क्योंकि वो अचानक तो साइकिल चलाना नहीं सीख रही है, वो पहले प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते करते अपने जो मसल से उस पर कंट्रोल करना सीख गया, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। एक टीचर है
वो बच्चों को सिखा रहे हैं, पहले फिजिकल चीज देकर सिखा रहे हैं, काउंटिंग करने के लिए ये एक, ये वन, दिस इज टू, तो वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस से लर्न कर रहा है, और वो लर्निंग करते करते मैच्योरिटी में चला जाएगा। लर्निंग का एक्सट्रीम क्या होता है, एक्सपर्टीज, महारत, और वहां पे जाकर वो बड़े से बड़े काउंटिंग को अपने ब्रेन में मेमोरी में ले लेगा, और फिर उस बड़े से बड़े काउंटिंग को मैनेज कर लेगा, काउंट कर लेगा। यानी लर्निंग क्या करती है, प्रैक्टिस से आपको मैच्योर बनाती है। तो लर्निंग समझ गए दोस्तों, लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, वेयर द इंडिविजुअल विल मेक मेनी अटेम्प्ट टू लर्न। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की स्टेजेस को पढ़ेंगे और बेहतरीन तरह से पूरी सीडीपी, इवन ईवीएस और इवन सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग उस पे अपर प्राइमरी के लिए भी यहाँ पे अपलोड करेंगे लेक्चर। पूरी टीम हमारी मेहनत करेगी इंशाल्लाह, और आप लोग बहुत फायदा उठाएंगे, सीखेंगे रियल में, और सारे एग्जाम सीटेट, केबीएस, बीएसएस भी, कोई भी एग्जाम आपसे मिस नहीं होगा। मैं खुद जामिया से बीएड हूँ, एमएड हूँ, हालांकि डिसर्टेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं एमएड पूरा पूरी एग्जाम दिया, पूरा रिजल्ट है मेरे पास, बस डिसर्टेशन सबमिट नहीं कर पाया। मैं सीटेट भी क्वालिफाइड हूँ, तो हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। हर 3 to 4 days पे हमारी एक लेक्चर आएगी, आप लोगों में बस आप लोग कभी हो कमेंट में बताएंगे दोस्तों, और हम कोशिश करेंगे कि मिलजुल के एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। बस आपका साथ चाहिए दोस्तों। जय हिंद।